तो जैसा कि आप लोग मुझे जो पहले से फॉलो करते हो मुझे जानते ही होंगे कि मेरा नाम नीलेश भारती है और मैं एम्स कॉलोनी का सेकेंड ईयर एमबीए स्टूडेंट हूँ। तो इस वीडियो को मेरा बनाने का मकसद ये था कि जो लोग हैं जो अभी मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, या जो लोग को मतलब कंफ्यूजन है कि नीट का एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा, तो सबसे अच्छा है एक आप टारगेट ले लीजिए। जैसे कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप लोग जितना जल्दी प्रिपरेशन शुरू कीजिएगा, जितना जल्दी खत्म कीजिएगा उतना आपको फायदा मिलेगा। आप लोग देखे रहे इस बार का भी नीट का पेपर और लास्ट ईयर का कितना कंपटीशन है, एक मार्क्स यानी कि से सीट चला जा रहा है। तो आपको क्या करना है, जल्दी शुरू कीजिए, जल्दी खत्म कीजिए और सबसे आगे आपको रहना है क्योंकि आगे और भी कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला है। इसलिए आप सारा आराम छोड़िए और मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे आप मार्च तक अपना सिलेबस खत्म कर सकते हैं। तो सिलेबस खत्म करने को हम बहुत पार्ट में बांट सकते हैं, ठीक, बहुत पार्ट में इसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला आपके मन में पहला क्वेश्चन आएगा कि हाउ, कैसे खत्म करना है सिलेबस, जो मार्च तक सिलेबस है कैसे खत्म करेंगे, तो इसका आंसर भी हम देंगे। तो हाउ का आंसर है अभी छोटा सा आंसर समरी का कि टेस्ट सीरीज से हमें खत्म करना है, टेस्ट सीरीज का इस्तेमाल करके, ठीक। अब सेकंड आएगा कि इसका बेनिफिट क्या है, उसका भी हम आंसर करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, जिससे टेस्ट देने से डर लगता है उसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है। इसमें बहुत दो कैटेगरी के लोग होते हैं, जिन्हें टेस्ट देने का ही मन नहीं करता, या जिन्हें मार्क्स देकर डर लगता है, या जिसे टाइम देकर डर लगता है, और या जिसे देने का मन करता है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, वो तो टेस्ट आराम से दे सकते हैं, ठीक। हम हाउ कवर करेंगे, हम बेनिफिट कवर करेंगे और हम फ्रीक्वेंसी कवर करेंगे कि कितने हफ्ते, मतलब एक हफ्ते में कितने टेस्ट देने चाहिए, या दो हफ्ते तीन हफ्ते जिससे आपका है, लेकिन एक बेस्ट साइज होता है कि हफ्ते में दो टेस्ट, ठीक। ये हम तीन चीज कवर करने वाले हैं। ये तीन चीज के बाद चौथा चीज होगा कि हमें पेपर का एनालिसिस कैसे करना है, ठीक। अगर आप, मैं जो भी बताऊंगा ये चार स्टेप इसे फॉलो करेंगे तो आपका मतलब कंफर्म है, इससे आप अपना क्वालिटी 8 से 10 हज़ार क्वेश्चन आप कर सकते हैं आराम से, जो मैं बताने वाला हूँ। और जो एक्स्ट्रा आप मॉड्यूल पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे ही, तो ऑब्वियस ही बात है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जिसने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें नीट से रिलेटेड अपडेट होने के लिए, मैं ब्लॉग भी डालते रहता हूँ उसे देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले काम है कि हाउ, कैसे करना है। तो इसका आंसर है आप हफ्ते में मंडे और थर्सडे ये दो दिन टेस्ट लीजिए। अगर जो लोग टेस्ट देने में डर लग रहा है उन्हें क्या करना चाहिए, देखिए इसमें भी दो तीन तरह के लोग होते हैं। आपको पता चलेगा कि आपको क्यों टेस्ट देने का मन नहीं कर रहा है, ये आप आराम से बैठ के सोचो। ज्यादातर कैंसर होता है मुझे मार्क्स कैलकुलेट करने में डर लगता है, मुझे मार्क्स कम मार्क्स से मुझे डिमोटिवेटेड होता है। तो उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है आप मार्क्स कैलकुलेट ही मत करो। तो हम प्रिपरेशन की ही बात कर रहे हैं, तो इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बात करते हैं, जो है अनअकैडमी। तो अनअकैडमी पे एक बहुत अच्छा ऑफर आया है जो सिर्फ एक दिन के लिए वैलिड है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आप एक साल के ऊपर का प्लस सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हो तो आपको 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाएगी। ये बहुत अच्छा है कि अगर आप प्रिपरेशन अपना किक स्टार्ट करना चाहते हो तो। और अनअकैडमी लेके आया है जुनून बैच फॉर नीट 2022 और 2023 बैच के लिए, जिसका स्टार्ट डेट है 10 दिसंबर के, जो ये बैच स्टार्ट होगा। जो 12 दिसंबर को जो टेस्ट होने वाली है उसमें आप मेरा कोड नीलेश AK10 इनरोल करके आप उस पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। देखो टेस्ट देना बहुत अच्छा हो सकता होता है, इससे आप कहाँ आप जान सकते हो कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। तो आप मेरा कोड नीलेश AK10 यूज करके इसमें पार्टिसिपेट करो। ये 12 दिसंबर को 2 बजे से शुरू होगी, तो इसका पूरा फायदा उठाओ। फ्री, देखिए फ्री रिसोर्सेज का पूरा फायदा उठाना चाहिए, इसी से आप बहुत आगे बढ़ जाइएगा। अब मेरा कोड नीलेश AK10 यूज करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और आप इस टेस्ट सीरीज का आपको अगर आप टॉप रैंक लाते हो तो आपको बहुत सारे प्राइज भी मिलेंगे और स्कॉलरशिप भी मिलेंगे। टॉप प्राइज को स्कॉलरशिप भी मिलता है और ऐसे बहुत सारे रिवॉर्ड भी मिलेंगे आपको, जैसे रैंक 1 to 5 को मैकबुक एयर मिलेगा, रैंक 6 to 10 को आईफोन 12 मिलेगा, रैंक 11 to 15 को आईपैड मिलेगा, 16 to 25 को अमेजोन इको मिलेगा, ऐसे ही बहुत सारे प्राइजेस मिलेंगे। जैसे कि मैं बोल रहा था आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप मिलेंगे, तो जैसे कि रैंक 110 से जो जिसका रैंक 1 से 10 के बीच रहेगा उसे 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसका रैंक 11 से 50 के बीच होगा उसके 50% स्कॉलरशिप मिलेगी, और जिसका रैंक 51 to 200 होगा उसके 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। और अनअकैडमी पर 10 फ्री फुल लेंथ टेस्ट अवेलेबल है आप लोगों के लिए, जो आप नीट 22 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए 10 फुल टेस्ट अवेलेबल है, जो इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। और इसमें आपको देखिए अनअकैडमी में क्या आपको एक चार्ट भी मिलता है, उस चार्ट के थ्रू आप अपना परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए टेस्ट देने का कोई भी फायदा नहीं है अगर आप अपने परफॉर्मेंस का एनालिसिस नहीं कर पाए, इसीलिए अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन कीजिए लीजिए इसीलिए अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लीजिए। मेरा कोड नीरज AK10 का यूज कीजिए, इसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा और आप अपने जो ये जो चार्ट है उसका पूरा फायदा उठाइए, टेस्ट दीजिए और टेस्ट देने से ही अच्छा प्रिपरेशन होता है। आप क्वेश्चन बनाते बस स्लो एज ए कैजुअली कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे बन गया, ये क्वेश्चन मुझे नहीं बना, ऐसे करके आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो फिर कैलकुलेशन मत कीजिए, आप फिर उसका एनालिसिस कीजिए। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, दो किया, तीन किया, चार किया, पांचवें पे आप अटक गए, तो आपको क्या करना है, तुरंत उसी समय बुक खोलिए, उसी समय उसका कॉन्सेप्ट देखिए, जो कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा तो उसका वीडियो चलाइए, यूट्यूब खोलिए, अनअकैडमी खोलिए, जो खोलना है वो खोलिए,
या किसी भी ऑनलाइन सोर्स पे चले जाइए। वो करने के बाद आपको मतलब कि वो कॉन्सेप्ट आपको उसी टाइम उसी समय उसी वक्त बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे आपका धीरे धीरे, देखिए आप यहाँ शुरू करेंगे धीरे 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 आपका प्रोग्रेस होते चला जाएगा। अब जो टेस्ट जिन्हें टेस्ट से फियर होता है उसमें दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं जिन्हें जो 3 घंटे में पेपर नहीं कर पाते, ठीक। तो आपको क्या करना है, आप पूरा टाइम लीजिए, मतलब 4 घंटे लीजिए, 4.5 घंटे वैसे सॉल्व कीजिए शुरू में। देखिए इसका आदत नहीं डालना है, इसे आप सिर्फ 1 या 2 टेस्ट में कर सकते हैं। आपको इसका आदत नहीं डालना है कि मुझे 4 से 4.5 घंटे पेपर खत्म करना है, आप सिर्फ 1 या 2 में पेपर में ऐसा कीजिए, 3 में कीजिए, या आप 10 दिन के लिए ऐसा कीजिए कि आपका टेस्ट जो डर होता है वो खत्म हो जाए। तो ये करने के बाद अभी ऐसे आप कीजिएगा तो आपका हो जाएगा एनालिसिस, तो जैसे फर्स्ट में करना है वैसे ही करना है। आपको जो क्वेश्चन नहीं आया आप टेस्ट के बाद देखिए, आप देखिए जिन्हें मार्क्स का क्वेश्चन डर लगता है उन्हें उसी समय देखना है, मतलब जिसे टाइम का दिक्कत है तो आराम से दीजिए, फिर एग्जाम के बाद अपना आपको मार्क्स वगैरह नहीं डर लगता है तो कैलकुलेट कीजिए। देखिएगा आपका शुरू में अगर कम भी आया, 400 आए, 450 आए, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा भी मेरे साथ यही था, मेरा भी शुरू में बहुत कम मार्क्स आते थे, फिर धीरे धीरे वो सब खुद ब खुद ठीक हो जाता है। अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन के आंसर दिए हैं कि कैसे करना है और इसका बेनिफिट क्या है और जिन लोगों को डर लगता है टेस्ट देने से उसे कैसे टैकल करना है, ठीक, ये आपने कर लिया। अब हम बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी कैसे रहनी चाहिए, कि आपको कब कब टेस्ट देना चाहिए। देखिए अभी दिसंबर चल रहा है तो अभी इसमें 3 हफ्ते बचे हुए हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जैसे कि सेकेंड वीक में अभी आप मंडे और थर्सडे टेस्ट दो, ठीक, फिर आपको 2-3 हफ्ते तक यही करो, मंडे थर्सडे टेस्ट दो, जिससे आप 5 टेस्ट दे दोगे, आपका जो आपको क्वेश्चन नहीं बना उसे आप उसी टाइम कॉन्सेप्ट देखोगे, उससे आपका प्रोग्रेस होगा। देखिए ऐसे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे रैंडमली तो आपको लगता होगा कि अरे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होगा, वो क्वेश्चन क्यों बना रहा हूँ। देखिए स्मार्ट स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको वो पढ़ने की जरूरत है जो एग्जाम में आएगा। तो आपने दिसंबर में 3 हफ्ते में आपने 6 टेस्ट दिया, तो आप जनवरी में क्या करना है, आप जनवरी में अपने टेस्ट की फ्रीक्वेंसी को 2 से 3 हफ्ते कर दो, आप जनवरी इससे आप 12 टेस्ट दे दोगे जनवरी, फिर आपको अगर 3 ही रखना है तो फिर 3 टेस्ट कर 2 हफ्ते में, तो 12 हो जाएंगे फेब में, फिर 12 हो जाएंगे मार्च में। तो ऐसे करते आप देखो तो आप 40 से 45 टेस्ट दे दोगे मार्च तक, तो बस ये सिर्फ मार्च तक आप इतना कर लोगे। आप लोग ड्रॉपर्स हैं तो आप लोगों को पता है सब सिलेबस पता है, ऐसा थोड़ी आप लोग कुछ नहीं जानते हैं, मतलब ऐसे के अगर आप वेट करें उस फेज का कि मेरा पूरा सिलेबस खत्म होगा तब मैं टेस्ट दूंगा, तब मेरे मैं मार्क्स कैलकुलेट करूंगा, तब मैं प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, तो मेरी बात ध्यान सुनिए वो फेज कभी नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं भी एक ड्रॉपर था, मेरे भी लाइफ में वो फेज कभी तक नहीं आया जो मैं जिसमें मेरा पूरा कॉन्फिडेंस आ गया था कि मुझे पूरा सिलेबस खत्म करना खत्म हो गया, ये कभी नहीं आया। एग्जाम एक दिन पहले तक भी नीट का जो एग्जाम था 12 सितंबर को हमारे टाइम उस तक भी मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं होता, ऐसा मुझे फील आया था, इसलिए वो फेज कभी नहीं आएगा। अभी से टेस्ट देना शुरू करो, मार्च में आप 40 से 45 टेस्ट दे दिए, तो इससे आप देखो तो आपने 8 से 10 जरा क्वालिटी क्वेश्चन किए, सोचिए मतलब यहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने 8 क्वेश्चन अपने लाइफ में अभी तक नहीं बनाए, सोचिए आप लोग कितने आगे चले जाओगे। ऐसा करो आप फ्रीक्वेंसी का बात हम लोग कर लिए, अब बात करते हैं कि आपको पेपर का एनालिसिस कैसे करना है। तो पेपर का एनालिसिस देखिए आप जो डरते हैं या जिन्हें मार्क्स से डर लगता है या जिन्हें टाइम से डर लगता है तो उसके लिए मैं पहले बता दिया हूँ। अब आपको जैसे कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक, आपने पेपर दे दिया, तो आपने देख कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं मतलब जिनको कोई डर नहीं लगता वो सब कुछ ठीक है तो आपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिया, तो आप क्या करो जैसे कि आप सारे जो टेस्ट दोगे नहीं आपको उस दिन में भी बहुत सारा टाइम बचेगा, तो उससे जो जिसने आपने गलतियां की तो उसमें आप देखो जो टॉपिक में डिवाइड करो, जो आपको एकदम नहीं आता है या जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा आता है या जिसमें आपने सिली मिस्टेक्स की, ये 3 में डिवाइड करो, जो पहले आप उसको इंपॉर्टेंस दो जो आपको एकदम नहीं आता है, तो आपने किया उसका वीडियो देखा, बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज पे गए उस पर वीडियो देखा, ठीक, वो सब आपने कर लिया। और फिर सेकंड में है कि जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा आता है, जिसमें आपका डाउट है, ऐसा बहुत सारा वोलेटाइल टॉपिक होता है जो आपको आता है, बस आपको एक बार देखने की जरूरत होती है, उससे आप एक कॉपी में सेपरेट से लिखना शुरू कर दो, वही कॉपी आपको एग्जाम के एक दिन पहले पढ़नी है, वही कॉपी, बस ये याद रखना वही कॉपी पढ़नी है, तो इससे आपका बहुत इंप्रूवमेंट होगा। अब थर्ड है कि जो सिली मिस्टेक हो गई, जो आपको अरे याद है तो जल्दी जल्दी में हो गया, तो उसे भी नोट करो कि जल्दी जल्दी में आपसे क्या मिस्टेक हो सकती है, उसे भी एक सेपरेट कॉपी बना लो। आगे बाद ज्यादा से ज्यादा ऐसा करोगे तो एग्जाम के एक दिन पहले आपको बस ये रहेगा कि मुझे हाँ इतने चीज पढ़ने हैं, आप एग्जाम के पहले 100 लेसन नहीं पढ़ सकते हैं, ये लिख के ले लो, ठीक। अगर आप ये कर लोगे मार्च तक आपका पूरा इतना अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। देखिए जो एक्सपीरियंस मेरा ये फॉलो करता है, ठीक, और वो फिर मेरे मार्च पे मेरे इसी वीडियो पे कमेंट करना कि हाँ उसे फायदा हुआ है कि नहीं, मैं पक्का कह रहा हूँ आपको फायदा होगा ही, ठीक। तो इस वीडियो का कंक्लूजन क्या निकला, ठीक, तो मैंने इस वीडियो में 4 बातों का बात किया कि 4 महीने में हाउ कैसे कम्प्लीट करना है, बेनिफिट क्या है, आपको फ्रीक्वेंसी कैसी रहनी चाहिए, आपको एनालिसिस कैसे करनी चाहिए। तो जिसने मेरा वीडियो अभी तक देखा है तो आप क्या करो, तैयारी पे लग जाओ, तो आपको 1 महीना बाद आपको जब भी मन करे आपको खुद से फील आ रहा है कि हाँ मेरा प्रोग्रेशन हो रहा है, तो आप आना मेरे चैनल पे या मेरे
इंस्टाग्राम डीएम पे आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं या मेरे चैनल पे कमेंट भी कर दीजिएगा कि हाँ मुझे हो रहा है कि मेरा प्रिपरेशन, मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है अपने प्रिपरेशन पे। तो इस वीडियो का आप हम फिनिश करते हैं यहाँ पे, तो आप लोग तैयारी पे लग जाओ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।